चलो गाइज, ये भी पार्क हो चुकी है, पूरी कारें आ चुकी है। आप देख सकते हो, देखो शोरूम में, मतलब ऑडी आर एट, ये फियाट, फियाट, मेरे को तो ऐसा लग रहा है फियाट इतनी बेच रहा हूँ मैं, अपने शोरूम के नाम ही फियाट शोरूम ही कर दूँ। नेक्स्ट कार आ गई गाइज, गाइज आप देख रहे हो पोर्शे आई है। पोर्शे मैंने अभी तक खरीदा भी नहीं हूँ, बेचा भी नहीं, अपने शोरूम के लिए पोर्शे आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त रमन गौतम। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल। तो गाइस, कार फॉर सेल में अपना लास्ट एपिसोड देखा था, मैंने हेलोवीन अपडेट खेला था, पर वो हेलोवीन अपडेट मेरा बहुत बेकार गया। आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना देखते देखते, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया, तो उस वजह से मुझे हेलोवीन अपडेट की कार ही नहीं मिली। अच्छा, हमको सिखा रहा है। खैर कोई बात नहीं गाइस, अब आप लोग से क्या नाराज होगा, ये वाले वीडियो को जरूर खूब दिल खोल के बड़ा बड़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, एकदम फटाफट करो, तभी तो गाइस कोई काम बनेगा। तो चलो आज हम अपने गेम के अंदर चलते हैं। आज के गेम प्ले में मैं काफी सारी कारें बेचने वाला हूँ, एक दो तीन चार नहीं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत सारी, मैं आपको काउंटिंग नहीं बताऊंगा, काउंटिंग आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज ये है कि मैंने अपना शोरूम एकदम मस्त झमाझम बना लिया हूँ। चल झूठा। तो अब गेम के अंदर चलते और देखते हैं कि आप कितनी कारें बेच पाएंगे आज। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैं अपने गेम के अंदर आ चुके हैं, पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मुझे हेलोवीन कार तो नहीं मिली, मैं आप लोग को बता चुका, पर उसके अलावा भी मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि जो ग्लिच मुझे पता चला था लास्ट एपिसोड में, मेरे बेटे ने बताया था कि ऑक्शन, जैसे कि आपको दिख रहा ऑक्शन आने वाला है, ऑक्शन के टाइम पे गाइस हमको पीछे से कार दिखती थी, वो भी बंद कर दिया गेम ने। मतलब गेम क्रिएटर्स भी नहीं चाहते मुझे जो पता चले वो मैं कुछ कर पाऊँ। कोई बात नहीं, ऑक्शन चालू होने वाला है, टाइम तो नहीं है। चलो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ, उसके बाद सरप्राइज क्लियर करते हैं। गेम वाले ने भी ऑक्शन वाला ऑप्शन तो हटा ही दिया मेरे लिए, मैं पीछे से ग्लिच से देख नहीं सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने अपना शोरूम बना के नया एकदम चकाचक खड़ा कर दिया, देख लो इंग्ड मोटर्स, मतलब लग रहा है गाइस है शोरूम, है शोरूम लग रहा है। यानी आप लोग को भी, आप बताओ कमेंट्स में क्या शोरूम लग रहा है। देखो इंग्ड मोटर एक यहाँ खड़ी हुई है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, एक ये, मतलब मजा आता है गाइस ऐसे में। क्या शानदार दिख रहे हो आप लोग, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा देख के शोरूम, मजा तो आया होगा आप लोग नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। शोरूम तो देखो हमने बहुत अच्छा बना लिया, पर खाली पड़ा है। हमारे पास सिर्फ दो कार है, ये एक जो मेरे बेटे ने लास्ट एपिसोड में खरीदवाया था पर्सनल कार बनाने के लिए लैम्बोर्गिनी, एक ये है हमारे पास, एक ये बीएमडब्ल्यू है। ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, ऑक्शन के पहले मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा पैसे अपन वेस्ट ना करें, और यहाँ पे कोई अपनी कारोबार तो नहीं छुट्टी ना। नहीं भाई नहीं, क्योंकि अपन अगर ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देंगे तो ऑक्शन में हो सकता है कि आपको किसान GTR भी मिल सकती है कोई भी, पर उसके लिए पैसा भी चाहिए अपने को, और पैसा अपने पास है, पर अगर अपन नेबरहुड जाके अब भी वहीं पे खर्चा कर देंगे तो अपने को हो सकता है कि फिर ना मिले। कोई नहीं, तो अपन फटाफट यहाँ से चीज़ें वीजें बटोरते हैं, सामान उठाते हैं। एक तो चीज़ तो मिली है इसको बेचने के लिए, एक फंडा भी अच्छा, इसी से उठाओ, इसी की जगह से इसी को बेच दो, मतलब ये झुक के भी उठा सकते, लालसी आदमी गाइस ये। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। यार कोई नहीं कोई नहीं, अपना शानदार शोरूम देखते हैं, खाली पड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन अभी अपन कारें खरीद के लाते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ ऑक्शन में। मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस, ग्लिच हट चुका है, अगर आप लोग को बिलीव ना होना तो मैं आप लोग को, चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि ग्लिच ऑलरेडी जा चुका है वहाँ से, अब अपन कार्स नहीं देख सकते हैं पीछे से। ये देखो, चलो मैं जा रहा हूँ, ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, अभी आराम से ट्राई के चक्कर में अपनी गाड़ी ना फूट जाए। यहाँ पे अंदर के ऑक्शन की कार दिखती थी ना गाइस, देखो ऑक्शन में लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि दिखती है कि नहीं दिखती अभी भी, पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखो गाइस, मतलब अंदर का देखने का दे ही नहीं रहा है वो देखो, कोई भी कीमत पे नहीं दिखा रहा है वो अपने को कि अंदर का अपने को कुछ भी दिखे। ये देखो ग्लिच, ये ग्लिच क्लियर कर दिया गेम ने, अब अपन नहीं देख सकते अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अब अपन ऐसे नहीं देखेंगे, अपन जेन्यून, अब जैसा ऑप्शन होता है वैसी ऑप्शन खरीदेंगे कारें वहाँ से, सामने बैठ के वेट करके। अबे वेट कर, सामने अपनी कार है, अपनी कार भी नहीं ठोकना है, ये अपनी दो पर्सनल कार है, ये एक थोड़ी सस्ती वाली है, और ये मेरे बेटे ने बोला भी नहीं रखने, इसको कभी भी बेच दूंगा, पर ये वाली नहीं बेच सकता। चलो तो अपन ऑप्शन में चलते फटाफट, इतना टाइम वेस्ट करता ना वो, देखो पैरी कार खुल गई होगी, वहाँ बीट भी चालू होगी, अब हो सकता है वो कोई एक्सपेंसिव कार आई होगी तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। चलो जल्दी पहुँचते हैं। चलो गाइस, हम पहुँच गए, फट से टिकट कटाते, अबे हटो रे, भीड़ हटाओ तुम्हारी, देखने दो क्या है ये। अरे ऑडी TT है, ये तो हमारे पास है ही पर्सनल कार के लिए। चलो इसको लेफ्ट करते हैं, पर नेक्स्ट कार का वेट करते गाइस। नेक्स्ट कार आ गई गाइस,
भाई साहब देख रहे पोर्शे आई है, पोर्शे मैंने अभी तक खरीदा भी नहीं हूँ, बेचा भी नहीं, अपने शोरूम के लिए पोर्शे आ गई है तो बीट। अबे मारूंगा मैं, लेके जाऊंगा एक बार कोई बीट आप मारो। अबे रुक जाओ ना, पोर्शे ले जान दो मेरे को, तो मॉडिफाई करा के बेचूंगा भाई, इसके मजा आएगा। पर ये जो बीट मारे पड़ा मेरे को खरीदने क्यों नहीं दे रहा, रुक जा थाम जा मेरे भाई, मेरा नुकसान कराने क्यों तुला हुआ, कौन है ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अबे अजेटा भाग, अबे ये नए नए नाम वाले आ रहे हैं बीट मार रहे हैं। अबे रुक जाओ तुम लोग, मेरी गाड़ी है वो मैं लेके जाऊंगा तेरे को। अबे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एंड टाइम पे गाइस बीट मारे थे पर फाइनली अपनी हो चुकी है। ये कार अपने को नीचे थर्ड नंबर, इसको भी अपन स्किप करते हैं और नेक्स्ट कार के लिए वेट करते हैं गाइस अपन। चलो गाइस जैसे कि फाइनली लास्ट कार आ चुकी है, कौन सी कार है, नहीं ये मैं बीट ही नहीं मारूंगा, NG5 पता नहीं क्या है ये कार, प्राइस भी 36,000 से चालू हुआ है। ले लूँ क्या गाइस इसको, बेच दूंगा क्या मैं अपने शोरूम में थोड़ा अच्छे रेट वेट में थोड़ा मॉडिफाई करा के। NG5 प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सी कार है, पर अभी लेटेस्ट मॉडल है 2023 का, ये खरीद लेते हैं गाइस, ये प्रॉफिट दे ही देगी मेरे ख्याल से, ले लेते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं हो जाए बस, क्योंकि पैसा है अपने पास, बजट है अभी तो, लेने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ले ही लेते हैं ना याली गाड़ी भी। चलो यार अभी बीट मारना बंद कर रहे हो भाई, मिल गई, देखो गाइस तो दो गाड़ियाँ अपनी आ गई हैं। ओए शेडू मास्टर कैसे हो तुम, बड़ा हरामी हो बेटा। दो गाड़ियों में गाइस मतलब मेरे को वन ऑफ द बेस्ट ये लग रही है पोर्शे। अब गाइस इनको चला चला के अपने शोरूम तक के ले जाना है, पेंट करवाना है, क्या करूँ, एक दिमाग का मैं काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सर्विसिंग वाले के पास, तो सर्विसिंग कराऊंगा नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी ले लूंगा वापस उनसे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब ये, और इसको मैं चला के लेके जाता हूँ, दूसरी वहां पहुंच गई ऑटोमेटिक, ये देख रहे हो गाइस मतलब पोर्शे आ गई अपने पास, इसको बेचेंगे तगड़ा पैसा, मतलब शोरूम में अच्छी गाड़ी खड़ी करनी है अपन खुद यार, मालिक होकर लैम्बोर्गिनी चला रहे तो बेचेंगे भी तो अच्छी गाड़ियाँ। ये देखो डैमेज तो गाइस ये है नहीं, उसको पेंट वेंट तो कराना पड़ेगा, मतलब अपन पोर्शे बेच रहे अपने नए शोरूम से, पहले अपने ब्रांड शोरूम से नए वाले से कोई कार बिकने वाली है, तो गाइस वो कार मतलब ऐसी लगनी चाहिए कि मज़ा आ जाए। चल रहे भाई फटाफट देख, पार्ट्स भी पेंटेड नहीं कुछ नहीं गाइस, मतलब कार एकदम ओके कंडीशन में है, इसको थोड़ा सा मेटालिक रखेंगे, स्मूथनेस ज़्यादा नहीं मेटालिक्स ज़्यादा रखेंगे, स्मूथनेस को कम रखेंगे इसमें अपन। पॉलिश अब कार कलर देखते गाइस अपने को क्या चूज़ करना है, पोर्शे है पोर्शे, देखते कौन सी कलर की भेजे अपन, मेरे ख्याल से ब्लैक बहुत अच्छी लगेगी गाइस, क्योंकि पोर्शा है ब्लैक में मज़ा आएगा। ये देखो गाइस ब्लैक हो चुकी है एकदम पोर्शे, इंटीरियर उसका रेड है, कोई नहीं चलो। तो अब अपन क्या करते हैं गाइस, इसको ना थोड़ा सा रिम्स भी चेंज, नहीं रिम्स तो बहुत शानदार लगे यार इसके, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, ये गाड़ी को फटाफट लेके चलते और शोरूम ही खड़ी कर देते अपन अपनी। चलो तो गाइस मैं सोच रहा हूँ शोरूम में खड़े करने से पहले अपन जिस कस्टमर को भी कार बेचे उसको और थोड़ा मज़ा आना चाहिए, मतलब पोर्शे बेच रहे गाइस, मतलब थोड़ा और इसको अपन एंटिक बनाते अपनी गाड़ी को। देखो सबसे पहले इसमें रेस्किट डाल देते, जो भी ले ये ESP भी डाल देते, नॉज भी डाल देते, ठीक है ये हो गया। सस्पेंशन गाइस पूरा नीचे कर देता हूँ मैं पोर्शे का, लाइट्स इंटीरियर रेड है तो अपन इसकी लाइट्स रेड करेंगे कि गाइस मतलब मज़ा आ जाएगा रेड लाइट में। ये देखो लगेगी गाड़ी, मतलब नंबर प्लेट इसमें कुछ ढांसू दिखने वाली लगा देते हैं अपन की, मतलब लगे यार हाँ ये लगा दो न्यू जर्सी की, ये लगा दिए, ये बहुत ज़ोरदार लगेगी। व्हील्स इसमें ऑलरेडी लगे कौन से गाइस पहले अपन चेक करते, व्हील्स तो अच्छी लगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो छोड़ो इसको छोड़ो, ये मज़ा आ गया। चलो अब अपन देखते हैं अपनी कार, बिल्कुल पेंटेड भी नहीं कुछ नहीं, चलो अब इसको चला के अपने अब अपन अपने शोरूम में डालते हैं गाइस इसको। चलो तो अब शोरूम के अंदर इसको पार्क कर दिया जाए गाइस, बेच रहे बचे रे बाबा, अब भी ठुक जाती नहीं कि नई गाड़ी। ये देखो गाइस अपना नया शोरूम, आप मतलब पूरा एक्सप्लोर करो गाइस, मतलब मजा आएगा। ये देखो इधर से ये अपन ऊपर भी कार चढ़ा सकते है, ऊपर के फ्लोर भी है अपने पास एक, पर ये ना कार यहाँ से ले जाने में ना गाइस थोड़ी दिक्कत होगी। ये देखो मतलब लाना तो आसान है लेकिन इसको ऐसा ले जाना, ये यहाँ रखो। मैंने गाइस अभी अपना ऑफिस का ना एरिया थोड़ा छोटा रखा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑफिस एरिया इतना बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा रखा हूँ। ये देखो कि कस्टमर आ सके, सिर्फ रेट वेट की बात कर सके, वैसे भी तो हम खड़े खड़े गाड़ियाँ बेचते, कभी आ सके ऑफिस में बैठे नहीं। तो ऑफिस में क्यों स्पेस खराब करना मैंने यही सोचा, कोई नहीं चलो अपनी सेकंड कार उठाते हैं और उसको भी कलर करा के बेचते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो रिपेयर हो चुकी है, अब इसको फटाक से अबे जल्दी उतार, हमको जल्दी जाना है पेंट वेंट करा के बेचना भी है, हमारा साला नया शोरूम बनाया हमने। अबे ये रात नहीं अबे गाइस ये रात में लोग की इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, मेरी तो कार पेंट भी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं मैं कार को यहीं खड़ी कर दूंगा, सुबह वो जैसे ही आएगा ना आते ही से साले से पेंट करवा लूंगा। ये बढ़िया था गुरु,
कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम फटाफट घर चलते और घर चल के सो जाते और नई सुबह का इंतजार करते और अपनी दो गाड़ियां बेचते अपने को और भी महंगी कारें चाहिए गाइस, चलो फटाफट चलो तुम अपने घर आ चुको। कभी यार फिर कंटेनर तरफ उतर गया, मैंने अपने वो बिलिंग से बाहर ही नहीं आ पाता कि मैं रही सो गया, मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, बार बार कंटेनर आके सो जाता। कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ माइनस में, कल सुबह सब प्लस हो जाएगा अपना। चलो गाइस नई सुबह नया प्रॉफिट, ऑक्शन आज फिर से 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्शन के पहले पहले दो गाड़ियां अपन बेच देते हैं, फटाफट चलना गाइस, अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, ऑक्शन फिर 1 बजे, हो सकता है इस बार के ऑक्शन में गाइस कोई और तगड़ी गाड़ियां आ जाए, मतलब गुस्से तक के तो आ चुकी, तो निशान GTR का मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, निशान GTR आ जाए, इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा गाइस मैं, इसको फटाक से बेचने का ही मेरा मन है, बस रेड कलर करा देता हूँ इसको और बेच देता हूँ, क्योंकि गाइज मैं ना अब इस पर ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑक्शन आने वाला है, मेरे को अभी मेन है निशान GTR, क्योंकि मैंने सारी महंगी कारें ले चुका लेकिन निशान GTR नहीं है मेरे पास, अब एक तो कार खड़े करने का भी ना फंडा बड़ा वो लफड़े वाला है मालूम यार गाइज, सर पीछे से घुमा फिरा के ले जाओ बड़ा टाइम लगता है ये, पर क्या करें 1 बजने वाला है। नहीं भैया अभी 1 बजने का टाइम है, जब तक मैं दो गाड़ियाँ तो बहुत ईजिली भेज दूंगा गाइज, शोरूम में स्पेस भी अच्छा खासा तगड़ा बना के रखा मैंने, अच्छा स्पेशियस शोरूम है मेरा। अरे तू जा रही है, चलो बंद करो फटाफट सारी बहस बकर और चल के गाड़ी बेचने पे लगाओ, अबे बाहर क्यों खुलता अंदर खुला कर, ये इसमें बस एक बड़ा लफड़ा है, चलो तो अब दोनों को बेचने पे लगा देते हैं, अबे चाहिए तो हमारी पर्सनल कार है, ओशा को बेचने पे लगा देते गाइस, अपन इसको लाए हैं 1,87,14, 2 लाख की लाए हैं अपन इसको, तो 4-5 लाख रुपीज में डाल देता हूँ गाइस, 5 लाख में तो ये बिकी जाएगी गाइस आराम से मेरे हिसाब से, और ये तो एक सस्ती गाड़ी लाए थे अपन ने 50, एक काम करो इसको गाइस किसी को भी अपन $110,000 में डाल देते, इसको बिक जाए तो अच्छा है, डबल प्रॉफिट कमाना है अपने को, ज़्यादा लालच नहीं करनी, डबल मिल जाए बस हो गया। अब कस्टमर्स का वेट करने से पहले अपने को तो भैया शोरूम तो ओपन करो, ये नौकर को ना एक्स्ट्रा पैसे दूंगा भाई, तो ना शोरूम वोरूम को भी थोड़ा ख्याल रखा कर, मतलब दुकान उकान खोल दिया कर मैं आ गया तो, अभी गाड़ियां धो लेते, कस्टमर की भीड़ लग जाएगी और गाड़ियां अपनी गंदी है, तो अपन गाड़ियां धो के रख लेते गाइस फटाफट क्लीन कर लेते हैं, जैसे कि साहब देख सकते हैं क्लीनिंग करते करते कस्टमर आ गए, सॉरी मैडम क्लीनिंग करते देख ली होगी, बिच्छती होगी, कोई नहीं अपना ही शोरूम है, अभी तू पागल आगल होगी क्या, तू मेरे से क्या हाफ प्राइस मांग रही, एक काम कर 4 लाख तेरे लिए, फीमेल कस्टमर इसलिए दे दे रहा हूँ मैं, इज्जत करता हूँ मैं आप लोग की बहुत, देख एक काम कर, तू जितना कम बोल रही ना मैडम निकल यहाँ से, आना मत मेरी दुकान में, बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरी गाड़ी के लिए भी कस्टमर आ गया और गंदी गाड़ी इतनी खड़ी करके रखो मैंने, फटाफट क्लीन कर लूँ क्या, पहले रेट देख लेता ना क्या बोल रही है, उसके बाद क्लीनिंग का देखता हूँ मैं, ओके जल्दी बोल, ये तो जितने में लाए उतने में मांग रही, तू पागल होगी कि भाई, एक काम कर मैडम मतलब इतने कम में भी नहीं बेच पाऊंगा आप लोग को, मैं तो मेरे मजाक बना करके आप लोग ने, एक काम करो मैडम आप भी निकलो भला, मैं गाड़ी पोछ पास देता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है गंदी गाड़ी इसलिए कस्टमर इतने गंदे रेट बोल रहे हैं, वो तो थोड़ी क्लीन इन करके रखता हूँ मैं फटाफट, ताकि जो नेक्स्ट कस्टमर आए ना फट से ले ले, देखो एक और कस्टमर आ ही रही है, मैं क्लीन ही कर रहा हूँ साला, आज बिज्जती बहुत हो रही है, क्लीन करते में ही गाड़ियाँ कस्टमर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कैसा मालिक है साला खुद ही गाड़ी धो रहा है, एक तो नौकर रखा हूँ गाड़ी भी तो नहीं धोता है वो, मैं क्या करूँ बड़ा परेशान हूँ गाइस, कमेंट करके बताओ ये नौकर को मैं कैसे बोलूँ कि तू गाड़ी आड़ी भी थोड़ी साफ सुफ करा कर भाई, कहीं से गंदी नहीं, चलो हाथ पाथ पोछ लिया जाए, हाँ मैडम बताइए, हाँ अरे मैडम अब थोड़ा गंदी थी इसलिए मैंने कर दिया, नौकर की थोड़ी तबीयत खराब है, बताइए आप क्या रेट लेंगे, मतलब रेट तो मैंने कम ही रखा हूँ आप ले लो, अरे यार ही यार मेरे को लग रहा है आज मैं लॉस वाला सौदा है, एक काम करता हूँ 3,50,000 में बेच के देखूँ क्या गाइस, मतलब मेरे को आज लॉस वाला लग रहा है, वहाँ उधर ऑक्शन चालू हो जाएगा, अरे यार ये मान ही नहीं रही है गाइस ये देख रहे हो, एक काम करो मैडम अभी तो 11 ही बजा है, मैं आपसे बहस करता हूँ अभी थोड़ी सी, 1 बजे ऑक्शन है ना, मैं 12 बजे करीबन निकल जाऊँगा इस गाड़ी के लिए, क्योंकि कस्टमर भी नहीं आया जब तक, इन्हीं को हैंडल करो, एक ही कस्टमर है तो इन्हीं को हैंडल किया जाए, मैडम आपको मतलब क्या लग रहा है गाड़ी इतनी सस्ती क्यों मैं बेचूँ, चलो अब बार्गेनिंग मैं आपके लिए लास्ट कर देता हूँ, मैंने उसको इन्वेस्ट भी किया इसमें, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस ये ना गाड़ी चिपक गई है अपने को, और अब मैं दोबारा कभी ऐसा पोर्शा नहीं खरीदूंगा, इतने महंगे में बिकी नहीं रही है, ले जा ले रहे भैया चिपक गई है मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस, ये तो बिल्कुल भी आई एम गेटिंग रेडी टू लीव, अब एक काम कर निकल, पागल समझ के रखी क्या इसने, मतलब इतना नीचे रेट ला दिया उसके बाद भी और ऊपर बोल रही निकल यहाँ से आना मत, अपन दूसरे कस्टमर का वेट करते भी टाइम भी अपने पास थोड़ा ही सही टाइम है गाइस, ऑक्शन चालू होने में दूसरे कस्टमर आए तो ठीक, नहीं तो अपन तो भग जाएंगे ऑक्शन के लिए, चलो टाइम होते जा रहा है पर टाइम खत्म होने के पहले कस्टमर आ गए, जल्दी आओ मैडम कस्टमर आप जो भी जल्दी लेके जाओ, मेरे पास ना टाइम नहीं बचा ऑक्शन पे जाने, नहीं तो मैं गाड़ी बेचूंगा नहीं, थोड़ा तो ढंग का रेट बोल दियो कि मेरे को भी ऐसा लगे कि चलो मैडम लेने था, 1,10,000 डालो 62 ये थोड़ा ठीक बोल रही है गाइस, इसको ना मैं 80 करके बेच देता हूँ गाइस, ऑक्शन पे जाना है पैसों की भी जरूरत है, 80 भी आ जाए डबल भी ना आए,
थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाए 60। अरे यार ये मान ही नहीं रही है, एक काम कर मेरे को ऑप्शन पे जाना 70। मैडम तुम्हारे लिए छे, अब तो मत बहस करो, लेके चले जाओ यार। चलो गई 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 गई, पोर्शे के लिए कोई कस्टमर नहीं, इसी कार के लिए थे। ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, भाड़ में जाए अभी अली गाड़ी, पोर्शे चिपक गई गई थी। तो अपने को ऑफिस को कर देता हूँ मैं क्लोज और जल्दी से ऑक्शन पे भागता हूँ मैं। गाइस जल्दी हड़बड़ी में इसलिए भाग के आता हूँ क्योंकि कोई एक्सपेंसिव कार ना निकल जाती है। भाई टिकट दे। अरे ये क्या है, डग्गा खेलिए, मैं दौड़ के आया था क्या? रख लो तुम्हें, वेट करूंगा मैं नेक्स्ट कार का। ये देख रहे कौन सी पिकअप है ना, ये सब बेचूंगा गाइस अब मैं। लोग देख रहे भीड़ भी मारे जा रहे, बड़ा बड़ा बेवकूफ है सब साले। चलो नेक्स्ट कार आ गई है। ये कार मेरे ख्याल से गाइस अपन ने हमेशा इसको महंगे में बेचे। यस ये कार अपन बेचती हैं अच्छे तगड़े प्रॉफिट में। ये तो मैं ले ही लूंगा, इसको मैं निकाल दूंगा, बेच सकता हूँ मैं। मत मारो बीट, वैसी पोर्शे चिपक गई है, ये कम में ले जान दो, प्रॉफिट कमान दो, मेरा आज का दिन खराब है। एक तो मेरे को हेलोविन वाली कार नहीं मिली, ऊपर से इन्होंने ग्लिच बंद कर दिए पीछे से देखने का। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो, प्लीज़ कर दो यार जाके, तो शायद तक मेरे प्रॉफिट होने लगे। चलो देखते, अगर आप लोग ने बराबर लाइक सब्सक्राइब मार दिए ना तो प्रॉफिट मेरे को समझ में आने लगेगा। चलो ये थर्ड कार कौन सी आई है, टेस्ला की है गाइस। रेट इसका ठीक ठाक चालू है, बिक जाती है, थोड़ी सी बीट मार के देखते हैं अपन इसको। अगर ये भी आ गई तो अपन बेच देंगे अपने शोरूम में, थोड़ा अच्छे पेंट वेंट करा के भेज दो तो गाड़ी का रेट मिल ही जाता है। चलो बैट मारते चलते हैं, देखते अपने को मिलती है कि नहीं पर गाड़ी। चलो गाइज मिल गई सेकंड कार। थर्ड कार कौन सी है गाइज, ये आई है गाइज मस्टैंग, ले ही लेते हैं इसको भी, लेके चलते हैं शोरूम में। आज अपन यहीं से पूरी कारें लेकर जाएंगे शोरूम के लिए। चलो डैमेज नहीं है ये, अच्छा है गाइज, सबसे अच्छी बात है मस्टैंग डैमेज नहीं है। बाकी कार का तो मैंने चेक भी नहीं किया डैमेज है कि नहीं, पीट मारे जा रहा हूँ, रेट भी नहीं देख रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, अभी इतनी एक्सपेंसिव नहीं गई, इतने के ऊपर तो मैं मस्टैंग डबल रेट में कमा लूंगा। खैर मैं हमेशा गाइस बोलता हूँ डबल रेट कमाऊंगा पर कभी नहीं कमा पाता। गजब बेइज्जती है। ओए आ गई आ गई रे, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तीन कार खरीद डाले हमने, ये देख रहे हो गाइस, मतलब मेरे को टेस्ला है तो डैमेज नहीं पता, इसका एक थोड़ा सा डाउट है, इसको चेक कर लेते हो। डैमेज है गाइस ये ऑलरेडी, मैं बोला था ना मैंने चेक भी नहीं किया, इसको डाल देते हो रिपेयरिंग पे। टेस्ला को भी चेक कर लेता, नहीं बिल्कुल डैमेज नहीं है। अब टेस्ला और इसको अपने को चला के ले जाना पड़ेगा। चलो तो फटाफट चलते अपने को चला के अपने शोरूम में खड़ी कर देते हैं। ये तो साउंड नहीं आता गाइस, मतलब टेस्ला चलाने में तो वाकई में गाइस गेम वालों ने भी देखो क्या शानदार बना है, कोई साउंड नहीं है गाइस। मैं फुल साउंड में खेल रहा हेडफोन्स में, लेकिन मेरे को कार चलने का कोई साउंड नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग साउंड आ रहा है बस हो गया, लेकिन इंजन की कोई आवाज़ नहीं। मतलब ये होती है गाइस टेस्ला यानी टेस्ला। अबे तो यहाँ क्यों लेकर आ गया, इसको अपने को वहाँ लेके जाना है, कलर करवा के फिर बेचना है रे भैया। चलो गाइस तो इसको कलर वलर करवा लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं। टेस्ला है, टेस्ला गाइस कभी मतलब ऐसे अंडरसंड कलर नहीं बनाती है, इसको ना मैं प्योर वाइट करता हूँ गाइस, मतलब टेस्ला को। तो टेस्ला ऐसा ना एकदम सड़ा वड़ा नहीं बनाती, स्मूथनेस नहीं नहीं स्मूथनेस पूरी हटाओ टेस्ला की, मेटालिक बॉडी बनाओ टेस्ला। टेस्ला को टेस्ला टाइप ही बेचेंगे गाइस अपन, जैसे टेस्ला लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बनाया बस बेच के खड़े करना है, ऐसा नहीं, टेस्ला को टेस्ला टाइप। चलो ये हो गया गाइस। ये लोग ना रात बहुत जल्दी करते हैं मेरे साथ, मेरे को ना गाड़ी रिपेयर कराना है, पहले इसको बोल दे तो रिपेयर कर दे, ताकि साले घर जाने के पहले तेरी छुट्टी के पहले मेरी कार रिपेयर हो जानी चाहिए, तो करके रखियो, बहुत मेरा टाइम वेस्ट होता है। चलो तो टेस्ला को पार्क कर देते हैं, धुलाई फुलाई मार देते हैं, जब तक अपनी ये गाड़ी भी हो जाएगी, हो सकता है पेंट वेंट अपने को कराना है, दूसरी गाड़ी भी वो बिक जाती है गाड़ी, वो गाड़ी तो अच्छे से डबल रेट तो दे ही देती है, वो गाड़ी बिक जाती है, प्रॉफिटेबल कार है वो। आप लोग भी अगर गेम खेल रहे हो तो वो कार ज़रूर बेचो, अच्छी प्रॉफिटेबल कार है। और ये चलो ये टेस्ला को भी यहीं लगा देते हैं अपन अपने शोरूम में, यहाँ खड़ी हो जाओ अब भी टेस्ला जी। अभी कार बंद है चालू है, समझ में नहीं आता, अभी बंद हो गई थी, बंद कर दो बंद कर दो, मतलब उसका साउंड ही नहीं है ना गाड़ी से, समझ में ही नहीं आता। चलो तो अभी दो गाड़ियों के रेट अपन डाल देते हैं, क्या करना है क्या नहीं, और उसके बाद अपन चलते तीसरी कार को देखने के लिए। चलो गाइस टेस्ला अपन ने 40 में लाए हैं, अपन इसको 120,000 डाल देते हैं, बिक जाएगी शायद तक इतने में, बिक तो जानी चाहिए गाइस, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी बाकी गाड़ियां तो शोरूम में नहीं, अच्छा मैं तो भूल ही गया अपने को अभी मस्टैंग भी तो लेकर आनी है। अरे यार वो सामने वाली भी रिपेयर होगी, चलो पहले उसी को ही ले लेते हैं। चलो इसको भी गाइस अपन शोरूम लेकर आ गए अपने, इसको भी शोरूम में यहीं लगाते। अभी शोरूम ही तोड़ोगे क्या अपने साले, पागल हो गए क्या? थोड़ा अभी इतना बड़ा शोरूम बनाया तो थोड़ा आगे पीछे भी कार लगा लो यार भाई, इसको थोड़े पीछे तरफ लगाते, कस्टमर आए तो थोड़ा दूर दूर खड़े गाइस, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी कार के लिए कस्टमर आया कौन सी नहीं। नहीं गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जब भी कार बेचने के लिए पहुँचता हूँ ना, इनकी रात पहले हो जाती है, फट से रात कर देते हैं, सब कुछ बंद करा देते हैं और बोलते जाओ, मतलब मेरे साथ तो गुगलिच कर देते ना, कार बेचने का ही मौका नहीं देते, खरीद खुरीद के लाओ और बेच भी मत पाओ, मतलब एक एक दिन वेस्ट होता है ना गाइस। हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लोन लिए हैं, पटाना पड़ता है। मस्टैंग 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 को तो बढ़िया मैं सोच रहा हूँ एकदम येल्लो करके बेचता हूँ मैं, ये कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं था ना, चलो इसको मेटालिक बॉडी बना के बेचूँ क्या गाइस? हाँ मज़ा आएगा गाइस, ये अब बेचने में मज़ा आएगा मस्टैंग को। इसको साफ़ सफाई करके पहले फिर लगाते हैं अपने शोरूम में कलर, तो अभी अपने को एक और कार को कलर भी करवाना है गाइस। बंद मत करना मैं आ रहा हूँ, दो मिनट रुक जाइए साले, बहुत मारूंगा नहीं तो।
हमेशा भाग जाते हो मेरे काम के पहले। क्या बोला था गाइस मैंने, ये लोग मेरे काम होने से पहले भाग जाते, भाग गए। भाग गए ना। ये देखो रात कर दी इनने, अब मेरे को ये जो कार पेंट करवानी थी इसका मैं क्या करूं, इसको मैं वहीं खड़ी करके छोड़ देता हूँ गाइस, ताकि ये वहीं खड़ी रहेगी ना तो ही सही है, सुबह होते ही मैं इसको करवा लूंगा पेंट। तो गाइस मैं यहीं लगा के जाऊंगा, सुबह आते से ही साले से पेंट करवाऊंगा और अपने शोरूम लेके जाऊंगा। चलो घर चलते फटाफट और सो जाते। चलो तुम नेबरहुड आ गए, और गाइस मेरे को काफ़ी टाइम बाद याद रहा कि मेरे पास भी एक घर है महंगा वाला, नहीं तो मैं यहाँ तो आके सोता ही नहीं। चलो सो जाओ, लॉस है कोई बात नहीं, प्रॉफिट करेंगे, पहले भी यही बोला था हुआ नहीं। चलो नई सुबह हो चुकी है, जल्दी जल्दी चलते हैं। सबसे पहले कार मार्केट प्लेस भी ओपन हो गया, अभी मैं कितना करूं, इधर भी तो कोई कारें नहीं अच्छी। नहीं यार कार मार्केट में अच्छी कारें मिलती, एक बार जाते रहते गाइस ऑफिस में, मैं ट्राई कर लेता हूँ। चलो कार मार्केट में कोई धासु गाड़ी होगी तो अपन लेके चलेंगे ना गाइस, मतलब कार मार्केट है कोई अच्छी गाड़ी आ गई तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा। डग्गा उग्गे तो नहीं बेचने वाला मैं, ये इधर से चेक करते गाइस, अपन चेक करना गाड़ियाँ, कोई दिख रही है आपको अच्छी गाड़ी? मुझे एक दिख रही है गाइस, ये BMW की एक ही, अभी भी ऑडी R8 आ गई तो प्रॉफिटेबल है, पैसा तो है अभी। ट्राई मारते ऑडी R8 है, पैसा अपने पास बहुत है, 5 लाख। एक काम कर मैडम, मैं आपको इसके 4,30,000 देता हूँ, मेरे को भी तो कमाने दो, गरीब के पेट पे क्यों लात मारती हो। चलो मैडम तो बहुत ही अच्छी थी यार, मैडम ने तो एकदम मान ही गई मेरी बात, क्यों मान गई, मैं भी तो चेक कर लूँ, अभी डैमेज भी नहीं कुछ भी नहीं, पर मैडम तो मान ही गई है। चलो इसको तो अपन यहाँ से भिजा देते, सामने से उठा लेंगे। एक ये खड़ी है BMW की कोई, पहले ये उठा लेते, ये वो गाड़ी है गाइस जो अभी एक और अपने शोरूम में खड़ी है, डैमेज भी नहीं है और अच्छे खासे रेट में मिल जाती है। ये 2 लाख की बोल रहा है, 160 दे दो भैया, अब तो दे दो, मतलब कुछ तो कम करना ही पड़ेगा, बार्गेन आना कभी फिर मेरी शॉप पे कार खरीदना, बताता हूँ तुमको मैं। अभी प्लीज स्टॉप, अभी एंग्री मत करो, तू छापड़ पर एंग्री करने की बात कर रहा है। एक काम कर, कितना बोल रहे, 190 में तो छोड़ दो अंकल, अब तो तुम मतलब अब तो सर चढ़ गए, कुछ तो रैम कर दो बच्चों पे, सर मत चढ़ो ये। चल दे दिए इन्हें भी अपने को कार, इसको भी गाइस अपन ना डायरेक्ट भिजवा देते रिपेयरिंग वाले स्लॉट में, वहीं पहुंच जाएगी। अब ये लास्ट एक कार मुझे अच्छी खासी दिख रही है, ये भी बात अभी डैमेज है, लंबी BMW लेकिन लंबी डैमेज है, और ये अपने शोरूम के लाइक भी नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे लग भी नहीं रहा कि ये बिक पाएगी। अरे यार ये क्या करूँ, छोड़ो इसको, लीव इट, छोड़ो नहीं जब बेचना हमको वाली कार, और कोई देखते हुए चलते ना गाइस। ज़्यादा कारें खरीदने से मतलब नहीं, अपने को अच्छी कारें बेचना, अपना शोरूम बड़ा हो गया है। ये कौन सी है गाइस, ये भी कोई BMW सीरीज ही लग रही है मेरे को, हाँ BMW N3 रेस बोलो, देखो ड्रिफ्ट किट है उसमें, मुझे पता है 44 में दे रहे हो आप मुझे, 11% डैमेज है। एक काम करो आंटी, 35 में दे दो तो मैं आपसे लेके चले जाऊँगा, मैं आपकी इज्जत रख लूँगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बोलोगी तो ना हो पा रहा, मैं खुद हाथ जोड़ दूँगा हायर प्राइस। निकलो मैडम, नहीं हो पा रहा, मैं जाके इतने दिन तो टाइम वेस्ट करूँगा, अपनी गाड़ियाँ बनवा के बेच लूँगा। चलो गाइस चलते हैं अपन, इन लोग से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपन अपनी कारें वारे ना रिपेयर करवा के उनको बेच बाच लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास। चलो गाइस तो अपन पहुँच गए यहाँ पे, पेंट करवाना था अपने को कार को, दो अपने रिपेयरिंग पे खड़ी, पर रिपेयर कराना नहीं है, वो तो अपने को यहाँ तक लाना था, इसलिए अपन ने ऐसा करें। अच्छा चलो ये अपन ने ब्लैक रखे हैं अपने ऑफिस में, और एक गाइस अपन इसको बढ़िया वाइट बेचेंगे, मतलब ब्लैक और वाइट लगना चाहिए कॉम्बिनेशन में, कि एक ब्लैक खड़ी है हमारे पास गाड़ी, एक वाइट, तो भी मेटालिक बढ़ाऊँ क्या, वाइट में अच्छी लगेगी क्या, और ये भी थोड़ा बढ़ाऊँ इसका मैं अगर, तो अरे अच्छी दिख रही है, पर 10,000 लगा दियो मैंने पर इसको, अभी इसकी बिकी नहीं ना तो सब समझ में आ जाएगा, हीरोगिरी उतर जाएगी अगर ये बिकी नहीं तो। चलो कोई नहीं बिक जाए, आप लोग लाइक करते रहो गाइस, आप लोग लाइक करते रहोगे ना वीडियो को, कमेंट्स करते रहोगे तो महंगी महंगी कारें बिक जाएगी। देखो क्या मस्त बना है सिल्वर कलर, इसको भी खड़ी कर देते फिर देखते आगे का अपन रोल कर। चलो इसको भी अपन यहाँ पार्क लगा दी जगह पे, ये खड़ी है इनमें से, ये भी कलर हो चुकी है। चलो ये भी हो गई है टेस्ला, अब अपनी दो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी, उनको भी फटाक से लेकर आ जाते। ऑडी R8 है गाइस, ऑडी R8 तो अच्छे रेट में बिकी जाएगी, पर इसका कलर भी अच्छा होना चाहिए, क्या कलर अच्छा रहेगा ना कस्टमर को और एक फील आता है लेने में कार को, कि यार कलर बहुत अच्छा है कार का, ये वो तो मज़ा आता है। चलो सबसे पहले तो हम इसको अच्छा कलरिंग करवाते हैं, अच्छी जोरदार वाली कलरिंग करवाना है इसको गाइस हमको। 15,000 अभी $25,000 पे मैंने यही सब में लगा दिया इसमें, अगर ये अच्छा रेट नहीं दी ना मेरे को तो मैं बहुत बड़ा झटका लगेगा गाइस मेरे को। पीछे गाड़ी खड़ी है, सोचता था टायर आयर चेंज कराऊं पर नहीं, तो गाइस ये ऑडी R8 भी पार्क हो गई है, वो लास्ट कार बची है उसको लेकर आ जाता हूँ मैं फटाफट पेंट करा के, और फिर अपने शोरूम में इसका रेट डाल के बेचते, आज प्रॉफिट कमाना है, रात न हो बस प्लीज़ वो करना रात में। चलो गाइस ये भी पार्क हो चुकी है, पूरी कारें आ चुकी है, आप देख सकते हो देखो शोरूम में, मतलब ऑडी R8 ये फीएट, मेरे को तो ऐसा लग रहा है फीएट इतनी बेच रहा हूँ मैं, अपने शोरूम के नाम ही फीएट शोरूम ही कर दूँ। चलो खैर बहस नहीं करते, फटाफट अपन को
बेचने पे डालते हैं, क्लीन करते हैं कि कस्टमर आ जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो और क्लीन पहले कर लूंगा मैंने, तो कस्टमर बड़ा परेशान करते हैं। ज़्यादा बार्गेनिंग भी मत करना आप लोग, क्योंकि मेरे को ना फिर दिक्कत होती है भाई, प्रॉफिट नहीं होता दिक्कत होती। चलो तो फटाफट इनको क्लीन करके भी रखना है, उसके बाद ही मैं शॉप ओपन करूंगा गाइस। चलो गाइस तो क्लीनिंग तो कंप्लीट हो गई है, एकदम धांसू लग रही है अपनी पूरी कार शोरूम में, सब चमका दिया मैंने फटाफट शोरूम ओपन करते। ये टेस्ला थोड़ी सी गंदी मेरे को लगी रही है, वाइट कलर यार काफ़ी गंदा होता है जल्दी जल्दी यार, अब भी क्लीन किया था मैंने कि क्या हो रहा है टेस्ला, वाइट नहीं कराऊंगा गाड़ी अब गाड़ी में बिल्कुल भी, बहुत थोड़ी सी मेहनत कर लिया कर, हमेशा जब देखो तब यहाँ खड़ा रहता है बस नहीं कस्टमर ने कभी तो गेट खोल दिया कर कि ऑफिस ही ओपन कर दूं मैं ही करूं बस हमेशा सब काम, अभी रात हो जाएगी फिर गेम वालों की। चलो कस्टमर्स का वेट करते, फटाफट कस्टमर्स आएंगे तो अपन चलते हैं। आ गया चलते क्या, वो तो आगे सामने से आइए मैडम, आइए। अरे आ गई मैडम। चलो मैडम जल्दी बताओ मस्टैंग का क्या आपका इरादा है, देखो बड़ा अच्छा पेंटेड है, फ्यूल भी 34% आपके लिए रखो मैडम, क्या आप लेके जाओ 80,000 मैडम 40। पागल हो गए मैडम, मैं आपके हाथ पैर चढ़ लूँ क्या, एक काम करो 70 आप मतलब जिस रेट पे लाए उसी रेट पे मांगोगे और मैं दे भी दूंगा। आपके वहाँ बैठी थी ये, वहीं बैठी होगी ऑक्शन में, इससे सुन ली होगी, वहाँ नहीं हो पा रहा है, निकलो मैडम निकलो, आप ना ऑक्शन में बैठी है, आपको पता है मैंने कितने में ऑलरेडी खरीदा, देखो पोर्शे के लिए दो कस्टमर आ गए ये। चलो सर बताइए 5 लाख रखो, 4 तो कम से कम बोलिए तो मैं बेचने की। अभी पागल हो गए कि लोग, मेरे को लग रहा है गाड़ी अपन ने ना लॉस में ला ली है। एक काम कर मेरे भाई, मैं तेरे को 3,50,000 में दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, रात हो गई धंधा पानी करने दे, तू भी ले और जा, एक हाथ गाड़ी तो बिक जाए। नहीं बोल रहा है गाइस चल निकल, ये देखो रात हो गई कोई मतलब नहीं रहा, सुबह ही होगी जो भी होगा, ऑफिस बंद करो पहले तो, ये सारे कस्टमर भी भगाए से भागो साले, फिर सुबह देखो गाइस ये गेम वाले ने मेरे साथ यही चीटिंग करते यार, रात कर देते सब कर देते। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, और मेरे को दिक्कत देते, इनकी दिक्कत में देखो फिर मैं कहाँ गया, गरीब दास वाले घर में। कोई नहीं चलो सो जाओ, सुबह तो आना ही पड़ेगा वापस वहाँ, देखो लॉस ही लॉस मत दिखाओ, मैं नहीं देखना मुझे ये सब। चलो नया दिन हुआ है आज, प्रॉफिट होना प्लीज, बहुत परेशान हूँ गाइस मैं, बहुत यार, आप लोग भी तो लाइक सब्सक्राइब भी मार रहे हो फटाफट, जल्दी मार दो यार गाइस। ऑफिस पहुँच गया हूँ, साफ कर कुछ तो कर पागल कहीं के, कस्टमर आने वाले हैं, एक तो कारें नहीं बिक रही है ऊपर से इसकी साफ सफाई में ढिलाई। गाइस अपन दौड़ दौड़ के करते हैं, ये सेट टाइप आता है देखो, धीरे धीरे मारूंगा साले को, पर क्या करूं मेरे पास कोई और है भी नहीं, भी काम के लिए इसी को रखे ही रहना पड़ेगा, मजबूरी, कोई बात नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कस्टमर ऑफिस ओपन थके रात भर, अभी ओपन किया अभी मैंने, अभी क्या मैडम आप तो मतलब बिल्कुल सुबह से आके खड़ी हो गई कार के लिए, पैसा ऐसा लाई हो नहीं लाई हो? नहीं लाई हो मैडम आपने, आज जिस टाइप का रेट बोल रही हो ना मेरे को लग ही नहीं रहा कि आप ये कार का आप स्कूटी भी नहीं खरीद पाओगी। अब मान जाओ अच्छे से दो बॉदरिंग प्राइस। नहीं मैडम सुनो ना, निकलो आप निकल ही जाओ, चलो दूसरी मैडम आ गई उनको निकालते से ही, चलो आप रेट बोलो देखो ढंग से बोलो, बहुत पैसा ऐसा भी इन्वेस्ट करता हूँ मैं गाड़ियों में, ऐसा नहीं है फ्री की गाड़ी उठा के लाता हूँ। ये 2 के अभी कोई 3 लाख तक के भी पहुँचो तो मैं सोचूंगा, 3,20,000 अभी गाइस मतलब क्या लॉस में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, किसी पैसा आ जाए, और ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे, अभी एक बिट रेट भी नहीं बोल रहे ऊपर, निकल यहाँ से तू अभी भी ये इधर, इसके लिए भी कस्टमर। सर टेस्ला आप तो कोट वोट वाले लग रहे हैं, आप तो ले ही सकते हैं ना गाई, आप तो मतलब बड़े आदमी 66 नॉट बैड, लेकिन एक काम करो मैं आपको इसको 90,000 में दे सकता हूँ बस, इससे आप ज़्यादा मत उम्मीद रखिए मेरे से, $20,000 कर दिया 66, एक काम करो मैं आपको 85,000, इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करिए, लीजिए जाइए, आप भी खुश रहिए मैं भी खुश रहूँ तब तक। अरे यार ये मान ही नहीं रहा गाइस, मेरे ख्याल से ना शोरूम बड़ा बना के गलती तो नहीं कर लिया, साले कोई ढंग के रेट ही नहीं दे रहे हैं। पोर्शे के लिए। चलो बताओ सर 5 लाख रखो, कुछ मतलब इज्जत रख लो, 3.5 में तो लेके जाओ बोलो कम से कम, अभी 2 लाख में आते हैं, काम करो मैं तो इसको 3,20,000 में बेच देता हूँ। अब पोर्शे नहीं लूँगा गाइस मैं, कब भी नहीं लूँगा गेम में, इतनी चाहिए जो रेट बोलो, एक काम करो निकलो आप भी, $7,60,000 दे दे चल, इतने में तो आप मान जाएगा वो लेकर आया 7,25 बचाना तो लोन ले कहीं से जाके, हाँ ले लिया लोन। तब अच्छा एडवाइस दो गाइस कस्टमर को, ये इधर तो भीड़ लग गई गाइस, चलिए सर देखो 5 लाख रेट है, इज्जतदार का रेट बोलेंगे, आप 2 लाख बोल रहे हैं, आप बहुत कम बोल रहे हैं, आपसे तो हम बात ही नहीं करते, अभी पहले चेक करते सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा बोल रहा है वही लेके जाएगा। गाइस दिख ही रही हैं शक्ल से, पर पैसे से नहीं है आप, मतलब सिर्फ शक्ल से ही दिख रही हैं, बाकी पैसे वैसे से नहीं है, इतना रेट बोल रही है 3 लाख, लेकिन अभी 3 लाख कर दिया मैंने, अभी अच्छा हुआ, अभी इसमें भी लोअर करने बोल रही है,
बेइज्जती की तो हद होती है। एक तो 3 लाख कर दिया, उसमें भी वो धोखे में डाला था मेरे से गाइस, और उसमें भी इतना बोल रही मेरे को। रिलैक्स गाइस, गाड़ियां बिकी नहीं रही है मेरे से। मैं बोल रहा हूँ शोरूम बना के कुछ तो गलती की हो मैंने। चलो एक बिकी, वो भी बहुत कम रेट में बेचा इसलिए बिकी गाइस, नहीं तो नहीं बिक रही थी वो गाड़ी। 70,000 में मैं आपको बेच दूंगा मैडम, आपको मेरे को ना सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा थोड़ा कमाने दो मेरे को। चलो मैडम अच्छी थी, समझदार थी आप तो। सर मैंने बोला ना स्कूटी, अच्छा नहीं उनको तो भगा दिया था, इनको बोला स्कूटी लेने जाओ आप दूसरे। 3 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा गाइस मैं ये गाड़ी, 3 लाख डॉलर जल्दी दे दो और चले जाओ लेके बढ़िया अपने घर, और उससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं आपके लिए। अबे ये तो डिस्काउंट प्राइस, एक काम कर 270। गाइस अपन ने कुछ गलती की है कि ये गाड़ी में लेके अपन ने बिकी नहीं रही है, मतलब ये गाड़ी अपन इस पर एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, 270 भी दे रहे। चलो गई गई गई, 3 लाख बेचूंगा तो चलेगा क्या? चल जाएगा, थोड़ा ही प्रॉफिट होगा पर होगा। इसको निकालो, ये गाड़ी नहीं लेना है, उधर भी अपन लॉस खाएं, इधर भी लॉस की उम्मीद लग रही है, गाड़ी लेना नहीं है। निकल 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 निकल, आइए सर आइए। चिंग चाउंग पुंग पांग, हाँ बताओ कैसा करना है अपने का सर? अरे हाँ इसको अदरवाइज मत लेना। 44, एक काम करो आप 50। भाई मतलब क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं इतने लॉस में बेचने में तैयार हो गया हूँ मैं। चलो गई, हाँ निकल जाओ मैडम बाहर के बारी। चलो ये वाला डे को तो अपन एंड करते हैं गाइस, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डे में अपन देखते कोई नई गाड़ियाँ मिलती है तो अपने को, यहाँ तो अपन लॉसेस में ही रहे, कोई मतलब नहीं रह गया आज के दिन का गाइस, मतलब लॉस बहुत हुआ साला। चलो गाइस तो प्रॉफिट आप मेरा देख चुके हो, शोरूम आप मेरा देख चुके हो। चलो गाइस मैंने जैसे बोला था ना कार मार्केट पे अपने को कुछ मिल जाएगा सोने के बाद, अच्छा ही देखो कार मार्केट। अबे ऑफिस डर्टी नौकर कुछ तो काम कर। अबे नहीं ये कार नहीं, कार मार्केट ही चलते, हो सकता है कोई तगड़ी कार ही आ जाए। देख लेते गाइस अपन ने काफ़ी कारें आज तो बेचे हैं, और कोई भी अपने को अगर तगड़ी अच्छी कारें, वो लॉस वाली कारें तो लेने ही नहीं। क्या लॉस हुआ है गाइस, मतलब अपन ने ज़्यादा कमाई है। मस्टैंग, मस्टैंग तो लॉस वाली गाड़ी लगती है मेरे को गाइस आजकल, मालूम ये गाड़ी बिक जाती है, 1,00,000 का तो प्रॉफिट देती है, 1,00,000 का। एक तो डैमेज्ड है, रेट कम बोलियो डैमेज, हाँ कम ही बोल रहा है। इसमें भी अपन बार्गेन करेंगे, अपन इससे लेंगे सिर्फ 1.5 लाख रुपये में। डैमेज्ड गाड़ी है भैया, अगर ठीक ठाक होती मैं सोचता भी इसको, तो मैं 2.5 में बेचना पड़ेगा मेरे को बनवाने के बाद। चलो मिल गई, इसको 2.5 में अपन बेच भी देंगे गाइस, ज़्यादा लालच इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी रहती है अपना टाइम उतना वेस्ट हो जाता है शोरूम का। ये एक और BMW कोई खड़ी है मैडम, चलो बताओ आप भी BMW कूपे, ये तो बेचे अपन ने, अच्छी रेट में बिक जाती है, बार्गेन करते, डैमेज नहीं है इसलिए मैडम ज़्यादा बात कर रही है। 80,000 देता हूँ मैम आपको, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो कमाने भी दो ना, 80,000 में दे रहा हूँ, मतलब मेरे को कमाने का रेट आप दोगे कि नहीं दोगे? चलो दे दी मैडम, अच्छी थी मैडम ने कार छोड़ दी जल्दी से। ये इसको डैमेज तो है नहीं, चला के ले जाना पड़ेगा, पर ये तो डैमेज भी नहीं है तो इसको तो अपन चला के ही ले सकते अपने शोरूम। चलो काफ़ी लोचा हुआ है गाइस। चलो गाइस इसको पेंट वेंट कराने ला लिया मैंने, पेंट वेंट करा देता हूँ। चलो ये एक हो गई, फिर दूसरे वाली को कराते हैं। चलो जैसे कि हमारी दूसरे वाली कार भी रिपेयर हो चुकी है, इसको भी पेंट करा के शोरूम के अंदर। अभी ज़्यादा ज़्यादा स्पीड नहीं 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 रुक जाती, अब भी क्या कर रहा हूँ मैं सही में, ठोक ठाक के उड़ा दूँ। अबे जल्दी हटा रहे तेरी गड्डी, देखो हटा लिया अपने, थोड़ी चलती है भाई, चमक है थोड़ा अपना, क्या शोरूम वोरूम बड़ा हो गया, अपन महंगी कार बार बेचते, अपन किसी को चिल्ला के बोलते तो गाड़ी वाड़ी हटा ही लेते वो लोग। अच्छा हमको सिखा रहा है? पॉलिश वॉलिश नहीं करवाऊंगा, 10,000 लगेंगे सिर्फ पेंट, बट पॉलिश वॉलिश नहीं, बहुत लॉस देती कारें वैसे भी। बोलो भाई जैसे कि दोनों गाड़ियाँ शोरूम में आ गई है, अब इनको हम क्लीन व्लीन करके ना बेचेंगे, और अच्छा रटेट देखले रेट में, और निशान GTR का वेट कर रहा हूँ। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि शोरूम में मैं और क्या क्या अपग्रेड्स कर सकता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही है, अब जो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महंगी कारें लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि बुकाटी उकाटी मिल जाए शेरन उरन तो मज़ा आ जाएगा। चलो गाइस तब तक के लिए अपन बाद में मिलेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।